कानकोन गोवा में आज बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक गरीब के सपनों को पूरा करना, उसकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं गोवा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रमेश तावड़कर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गोवा को हर क्षेत्र में विकसित बनाने के सपने और संकल्प को पूरा करने के लिए सिद्धि की ओर अग्रसर डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्र सरकार में हमारे मंत्री, हमारे साथी श्रीपद यशो नायक जी, माननीय बी सतीश जी, सदानंद गोड़ा जी, गणेश भाव जी, उल्लास जी, दानी सालकर जी, संकल्प अमोकर जी और सभी माननीय विधायकगण, जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत के प्रतिनिधि भाइयों बहनों और यहां पर आए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस श्रमदान निर्माण में अपना सहयोग किया, जिन्होंने श्रम से सहयोग किया, कड़ी मेहनत की इस भवन बनाने में, कुछ ने आर्थिक सहयोग किया, सभी लोगों ने सामूहिकता के साथ अपने अपने प्रयासों से आज उस गरीब के सपनों को पूरा किया। मैं देख रहा था जब उनको मकान की चाबी मिल रही थी, उनके आंख में आंसू झलक रहे थे, खुशी के आंसू झलक रहे थे। जब मैं एक मकान के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस परिवार के अंदर पत्नी से चला नहीं जा रहा था, बच्चे से चला नहीं जा रहा था और कई शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर थे। शारीरिक दृष्टि से कमजोर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, उन्होंने जब अपना घर देखा तो उनके जो सपने जिंदगी भर नहीं हो सकते थे वो बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने पूरे किए। और यही आज हमने देखा कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति का एक सपना होता है, मेरा अपना घर, और उसके लिए वह जिंदगी भर धन कमाता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वह अपना घर नहीं बना पाता। रमेश तावड़कर जी ने प्रयास किया और आज जनसहयोग से 20 मकान इन गरीब व्यक्तियों को मिले और निश्चित रूप से उनके सपने पूरे हुए। ऐसे ही देश भर के अंदर करोड़ों लोग थे जो आवासहीन थे, जिनके मकान नहीं थे, मकान थे तो कच्चे थे,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन आवासहीन कच्चे मकानों को पक्का करने का संकल्प किया और देश में शहर गांव में 3 करोड़ से ज्यादा आज प्रधानमंत्री आवास के रूप में उनके घर पक्के घर मिलेंगे। केवल पक्के घर न मिले, उनके घर में बिजली, गैस कनेक्शन, पानी, एक बुनियादी सुविधाएं जो आवश्यकता एक मकान के लिए होती है, उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसी तरीके से मैं देख रहा हूं गोवा के अंदर दूर दराज गांवों के अंदर किस तरीके से शिक्षा के बेहतरीन शिक्षा के मंदिर बनाए जा रहे। ये कक्ष देख लो जो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और कई महापुरुषों की तस्वीर यहां पर लगी है, कई संतों की यहां तस्वीर लगी है, ताकि इन सब महापुरुषों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। और इसीलिए गांव के अंदर इस तरीके के विद्यालय बनाने और विद्यालय के अंदर नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन की शिक्षा देना प्रारंभिक काल से, इसके लिए भी मैं गोवा के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं अभी बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के आवास विद्यालय में गया, जो बड़े शहरों में विद्यालय नहीं बन सकते वैसा विद्यालय हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इस गांव के अंदर आवासीय विद्यालय बनाया। मैंने उन बच्चों से बात की, वो शिक्षा ही नहीं, संस्कार ही नहीं, वो जीवन के अपने सपने पूरे करने के लिए उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और मुझे आशा है जिस तरीके के शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गोवा में काम हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोवा में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गांव में काम हो रहा है, आने वाले समय में जो विकसित गोवा है उसके लक्ष्य की ओर यहां की सरकार बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी सामूहिक संस्कृति, सामूहिक संस्कार के कारण ही आज हम इन आवासीय लोगों को मकान दे पा रहे हैं। सबने अपना अपना धन लगाया, श्रम लगाया, ईंट लगाई, पत्थर लगाया, अपने हाथों से काम किया, यह है हमारी सामूहिक संस्कृति। और इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी आपदा आए, भारत उस आपदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम है अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण, सामूहिक प्रयासों के कारण। और कोरोना के समय हमने देखा, कोरोना जैसी महामारी से विकसित देश भी उस चुनौतियों से निपट नहीं पाए थे, लेकिन भारत में हम सबके प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से, जिसने भी जो अभाव देखे वो अपने सेवा से जितना हो सकता था उतने प्रयास किए, सामूहिक प्रयास किए, सिविल सोसाइटी ने प्रयास किए, समाजों ने प्रयास किए, व्यक्तियों ने प्रयास किए और हम उस चुनौतियों से निपट चुके। हम केवल उस चुनौतियों से निपटे, हमने दुनिया के उन देशों के अंदर उस आपदा संकट के अंदर साथ देने का भी काम किया। और इसी कारण भारत की अलग पहचान दुनिया के अंदर बन गई। हम केवल हमारे देश का विकास नहीं, हम वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, सारे विश्व को परिवार मानते हैं। और इसलिए विश्व में कोई आपदा चुनौती आती है तो उसके लिए जो सकता सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। आज इसी संस्कृति की ओर
गोवा में संकल्प लिया है कि जो भी आवासीय लोग हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकानों का पूरा करने का सपना बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा, जन सहयोग से करेगा। एक मिसाल बनेगी देश के अंदर किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से, सबके प्रयासों से हम मकान बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, चिकित्सालय बना सकते हैं, धर्मशाला बना सकते हैं, प्याओ बना सकते हैं, हर लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन करने के लिए हम सब सामूहिक प्रयास से जब लगने लगेंगे तो हमारे विकसित भारत के सपने पूरे होंगे। और विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए हमें पूरी उमंग से, पूरी जोश से, पूरी लगन से, कड़ी मेहनत से, कड़ी परिश्रम से, सामूहिकता के साथ अपने कर्तव्य दायित्व को निभाने का समय आ गया है। ये समय बदलता भारत का समय है और उस बदलते भारत के अंदर जब 140 करोड़ लोगों का संकल्प लगेगा, 140 करोड़ लोगों का सामूहिक प्रयास लगेगा और जो जहां भी अपनी सेवाएं दे रहा है समर्पण निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण होगा तो हम विकसित भारत के सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। और इसीलिए सामूहिकता की संस्कृति को आगे बढ़ाना, आपदा अभाव कठिनाइयों चुनौतियों में सामूहिक प्रयास करना, इसके लिए एक प्रयास यहां पर हुए हैं, आने वाले समय के अंदर और प्रयास होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे संकल्प बहुत बड़े हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हम में उतनी सामर्थ्य और शक्ति भी है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका सामर्थ्य, इनोवेशन, इतना सामर्थ्य भारत है और सामर्थ्य शक्ति के कारण हम भारत को भी विकसित भारत बनाएंगे और दुनिया के अन्य देशों को भी अपना सहयोग देंगे। और इसीलिए एक समय था जब लोग कहते थे कि आबादी का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, लेकिन जनसंख्या को स्किल्ड बनाना, इसको दक्ष बनाना, उसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर एक कदम बढ़कर आगे प्रयास किया है और आने वाले समय के अंदर गोवा के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को पहले साल के अंदर दक्ष बनाया जाएगा, उनको अपनी अपनी स्किल्ड में बेहतरीन बनाया जाएगा ताकि वह गोवा के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी स्किल्ड और अपने जो अनुभव प्राप्त किए, वह दक्षता प्राप्त किए, उसके आधार पर रोजगार भी प्राप्त कर सके और देश को आगे बढ़ाने का काम भी कर सके। साथियों, मैं पुनः बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, हमारे विधायी संस्था के अंदर हमारे सहयोगी रमेश तावरकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जनप्रतिनिधियों को एक प्रेरणा देने का काम किया है। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की अपेक्षाएं, अभाव, आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी कठिनाइयों को दूर करना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कल्याण करना। और यह संकल्प पंचायत हो, नगर क्षेत्र हो, विधायक हो, सांसद हो, इस लक्ष्य से काम करने लगे कि मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलना है, उसकी जिंदगी को बेहतर करना है, जन कल्याण मेरा लक्ष्य है, जन कल्याण मेरा ध्येय, जन कल्याण मेरा सेवा का माध्यम है और इस जन कल्याण से मैं लोगों के जीवन को परिवर्तन करूंगा। तो हम सब मिलकर ये कह सकते हैं आने वाले समय के अंदर सबकी जीवन को बेहतरीन कर सकेंगे। और मैं इसके लिए पुनः आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस तरीके से इस सारे कामों में सामूहिक प्रयास किया, क्योंकि आपके प्रयासों के कारण ये काम संभव नहीं हो सकता था। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।